किसान भाइयों और बहनों, हम आज आपको जैविक विधि से जो गौमूत्र का उपचार कैसे किया जाना, कैसे कैसे उसके फायदे हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है, जैविक खेती में देसी गाय का गौमूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो गौमूत्र है, टॉनिक का काम भी करता है, फसल रक्षक का काम भी करता है। इसमें गौमूत्र में 33 प्रकार के तत्व होते हैं। अपन जैसे डालते हैं, यूरिया डाला तो उसमें नत्रजन मिलती है, फिर फास्फेट डाला, फिर पोटाश डाला, तो दुनिया भर के डालते हैं। पर यदि मैंने गौमूत्र का छिड़काव कर दिया तो एक बार में फसल को अपना 33 प्रकार के तत्व मिल जाते हैं। फिर क्या होता है, गौमूत्र जो छिड़का, उसके छिड़काव करने से आपका जो कीट है वो अपने पत्तों पे नहीं आते, उसके दुर्गंध के कारण ही दूर आते हैं। अपना उद्देश्य है कि हम फसल से अपने कीड़ों को दूर रखें। अब गौमूत्र कैसे बनाना, देसी गाय का गौमूत्र। अपने को ये भी ज़रूरी नहीं है कि देसी गाय बंधी है तो उसका गौमूत्र ऊपर से इकट्ठा करना है। ज़मीन पक्की बनाओ, नाली बनाओ उसके अंदर, और नाली से बह के आएगा वो, आप एक टंकी नीचे रख के इकट्ठा करते जाओ। अब इसमें छिड़काव कैसे करना, कि जैसे ये अपन ने इसमें 1 लीटर गौमूत्र लिया, ये बाटले सब मिल जाती हैं अपने को, हर जगह मिल जाती हैं। 1 लीटर बॉटल ली, 1 लीटर ये गौमूत्र लिया, और उसमें यदि ज़्यादा फसलों पे कीट लगा है तो 5 बॉटल पानी डाल दो। और शुरुआत में ही हम तो कहते हैं कि जैसे ही अपन ने फसल बोना शुरू की, उससे 10 दिन बाद जो थोड़ा अंकुरित हुआ तभी से आप उसको उपचारित करना शुरू कर दो। 10 लीटर उसमें पानी मिलाओ, अच्छे से अपने स्प्रेयर से लेके छिड़काव कर दीजिए पत्तियों को अच्छे। तो ये गौमूत्र फसल उपचार भी हो गया, अपना वो भी हो गया, तत्व भी जो चाहिए पोषक तत्व, क्योंकि खुराक बहुत चाहिए पौधों को, तो वो भी हो गया।